ऐसे भी सुशांत सिंह राजपूत केस में जितने भी ड्रग पैडलर्स के नाम शौविक, रिया और उनके स्टाफ ने दिए थे, उनको पकड़ रही है। एनसीबी चाहती है कि इन सभी से ये पता चले कि आखिर सुशांत के घर ड्रग्स कौन कौन से जाते थे, क्या जाते थे, किसके कहने पर जाते थे, कौन पेमेंट करता था। केजी को जो है गिरफ्तार किया गया है, मैंने आपको बताया वो सुशांत का स्कूल फ्रेंड भी है। और अब खबर आ रही है कि ऋषिकेश नाम के एक पैडलर को भी जो है उसको भी डिटेन किया गया है, और उसका नाम जो है वो दीपेश सावंत ने लिया था। दीपेश सैमुअल का जब स्टेटमेंट लिया गया, शौविक और रिया का भी लिया गया, तब जो है कुछ पैडलर्स के नाम सामने आए और करमजीत को भी इसीलिए जो है गिरफ्तार किया गया है, ऋषिकेश को भी किया गया है। ऋषिकेश से एनसीबी ये जानना चाहेगी कि आखिर किस तरह की ड्रग्स जो है वो सुशांत के यहाँ जाती थी, कौन कोऑर्डिनेट करता था, कौन पेमेंट करता था, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है ऋषिकेश से भी डिटेल ली जाएगी। वहीं कहीं कई मीडिया में ये भी दावा किया गया है कि ऋषिकेश जो है वो रिया का रिलेटिव भी है। हालांकि इस बात की पुष्टि फिल्म विंडो नहीं करता, लेकिन कुछ मीडिया में इस बात का दावा किया गया है कि वो जो है रिया का रिलेटिव भी है। लेकिन दीपेश की जो स्टेटमेंट ली गई, जो एनसीबी ने ली थी, उसमें उन्होंने ऋषिकेश का नाम लिया है और उसको डिटेन किया गया है। आज सुबह से ही एनसीबी 7 से 8 जगहों पर छापे मार चुकी हैं और कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें करमजीत और ऋषिकेश भी मुख्य हैं।